इसको भी तवे में डाल देंगे, इसकी भी थोड़ा सा भुनाई कर देंगे। आज क्या करने वाले हो इसका? आज कैमरामैन तो चमक गया भैया। तो मम्मी आज क्या बनाने वाले हो? आज बना रही हूँ मटर पनीर। मटर पनीर? हाँ, आज पापा पनीर लेके आए हैं, मैंने सोचा चलो आज मटर पनीर बना लेते हैं। तो इधर मैंने पनीर ले रखा है, यहाँ प्याज और टमाटर कद्दूकस कर दिया, यहाँ कर रही हूँ लहसुन और अदरक कद्दूकस। तो हम पहले ऐसी आज रेसिपी बनाने वाले हैं। और अनुज आ गया है जिम से, बहुत देर से देख रही थी मैं, कहाँ गया। 8 बज गए हैं, अभी तक मेरा खाना ही नहीं बना है। तुझे देखी थी मैं जिम गया था। इधर ले रखा है मैंने पनीर। सबसे पहले हम पनीर में थोड़ा सा नमक और मिर्च छिड़केंगे। कटिंग नहीं होगी इसकी? कटिंग करेंगे, नमक हल्का सा और लाल मिर्च। अब ऐसे करके मिक्स कर लेंगे इसको थोड़ा सा। सबसे पहले हमने तवा चढ़ा रखा है, गैस ऑन कर देते हैं। आज मैंने सोचा कुछ नए स्टाइल में बनाते हैं। तवे में हम तेल डालेंगे 2 चम्मच, चम्मच भी छोटा सा है, ऐसे फैला देंगे। तो रेसिपी बनाना करते हैं शुरू। हमारा तवा हो गया है अच्छे से गरम, पनीर को हम ऐसे रख देंगे सेकने के लिए। पनीर को अलटते और पलटते हुए हम इनको सेक लेंगे, सेक लेते हैं। पनीर ही डेयरी का पनीर है, डेयरी से लेके आए हैं, तो 4 जनों के लिए सब्जी हो जाती है। इधर हमने प्याज को कद्दूकस कर रखा है, प्याज कद्दूकस कर रखा है, टमाटर और ये लहसुन अदरक है, हरी मिर्च है। ये ले रखी मैंने फ्रोजन मटर, इसको भी तवे में डाल देंगे, इसकी भी थोड़ा सा भुनाई कर देंगे। आज क्या करने वाले हो इसका? आज कैमरामैन तो चमक गया भैया। तवे में ना जो तेल है, मटर भी हमारी अच्छे से भून जाएगी और सब्जी बनाने में ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो कैमरामैन तो चमक गया है, आप लोग भी चमक गए होंगे। तो जो मैं ये रेसिपी बना रही, इसको खूब सारा प्यार देना और सब्सक्राइब लाइक सब दे देना, ठीक है। हमारे पनीर भी भून चुका है और मटर भी, निकाल देंगे इसको, बढ़िया सा हो गया है फ्राई। मटर भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, इसको भी निकाल देंगे साइड में। अब बनाते हैं मसाला। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस में, गैस कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल, सरसों के तेल में ही बनाएंगे। जो घर की रेसिपी या सब्जियां कोई सी भी हो ना, सरसों के तेल में ही बनाना चाहिए। थोड़ा सा गैस को ऐसे कर लेंगे, क्योंकि हमारी स्लिप ऊंची है ना, इसलिए मैं छोटी हो गई हूँ। अब मुझे ऐसे करके करना पड़ता है, अब मैं जब इधर को कर दूंगी तो सही दिखता है और मोबाइल में भी अच्छा आता है वीडियो। तेल हमारा गर्म हो गया, गैस थोड़ा सा कम करेंगे और इसमें प्याज का तड़का लगाएंगे। बाकी हम इसमें ज्यादा कुछ मसाले नहीं डालेंगे। प्याज को करेंगे हल्का सा ब्राउन। प्याज भुन गया? हाँ, प्याज हमारा हो गया है ब्राउन। ये ज्यादा इसको हमने जलाना भी नहीं है, ज्यादा लाल करोगे ना तो ग्रेवी कुछ अलग सी दिखती है। हल्का सा हमारा प्याज हो गया ब्राउन, इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक कद्दूकस कर रखा है। तो मैंने लहसुन टमाटर सब कद्दूकस करके ही डाल रखा है। अच्छे से लहसुन को भून देते हैं, तो लहसुन की अच्छी से खुशबू आ गई है। अब डाल देंगे इसमें हम टमाटर कद्दूकस कर रखा है। टमाटर के साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ा सा जब टमाटर का ना कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले। प्याज टमाटर हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे हल्का सा। सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर। टमाटर और मसालों को अच्छे से करेंगे मिक्स, थोड़ा सा भुनेंगे टमाटर के साथ ही मसालों को हल्का सा भुनेंगे। जब मसालों की अलग सी आएगी ना खुशबू, लाजवाब। तो आधा गिलास मैंने पानी डाल दिया है इसमें,
मसालों को अच्छी तरह से पकाते हैं खुशबू आने तक, और जब तेल छोड़ देगा मसाला उसके बाद हम डालेंगे पनीर। अब रख देते हैं इसमें ढक्कन, साथ में कर लेते हैं पनीर की कटिंग। चाकू भी बढ़िया है, गजब। इधर देख लेते हैं मसाले को, मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। इसमें डाल देंगे हम मटर, मटर को भी थोड़ा सा पकाएंगे। मैंने मटर को भुना था अच्छी तरह से। ये ले रखा है मैंने एक गिलास पानी। ग्रेवी को अच्छे से पकाते हैं और मटर भी साथ में हमारी पक जाएगी। देखते हैं हमारे मसाले का ग्रेवी का क्या हाल हो रहा है। मटर भी लगता है हमारी पक गई है। वाओ शानदार, खुशबू भी लाजवाब आ रही है। कैमरामैन होटल स्टाइल है। ये दो दिन से हमारा धनिया हरा ही है, पानी में डुबाया है, और जड़ वाला धनिया हो तभी ऐसे काम करना। बाकी जैसे जड़ नहीं होती है तो वो पानी में डालोगे सड़ जाएगा, ये जड़े है ना इसलिए ये हरा ही है। अब जाने हरी मिर्ची काटी थी इसको भी डाल देंगे, साथ में पनीर भी इसमें ऐड कर देंगे। तो पनीर भी ऐड कर देते हैं इसमें। गैस को हल्का कर देंगे। पनीर तो वैसे ही हमारा भुना हुआ है, फिर भी थोड़ा सा हम इसको पकाएं। हल्का सा डालेंगे गरम मसाला इसके ऊपर से। अब डाल देंगे हरा धनिया, बिगर हरे धनिया की तो सब्जी ही नहीं होती है। तो रेसिपी बनके हमारी हो गई है तैयार। तो पनीर बन चुका है हमारा नए स्टाइल में। वीडियो पसंद आई तो लाइक फॉलो करना, मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब करना, और कैमरामैन के लिए भी एक लाइक जरूर कर दे।